आओ जी बेटा थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? पढ़ो क्या लिखा है। वो कह रहा है हाउ विल यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, इन सब गलतियों को कैसे ठीक करोगे। पहला पॉइंट, सेल बुक ओवरकास्ट हो गई, ज्यादा रिकॉर्ड हो गई सेल, सेल के कैसे बैलेंस है? क्रेडिट, ज्यादा क्रेडिट हो गई तो ठीक करने के लिए कम करोगे, क्रेडिट को कम करने के लिए तो क्या पॉइंट बनेगा बोलो? सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड रुपीज, 1,000 ही है ना, 8,000 से कर लो बेटा। आगे बोलो, सेल रिटर्न बुक शॉर्ट बाय 500, सेल रिटर्न कितने से शॉर्ट हो गई? 500 से। सेल रिटर्न कम रिकॉर्ड हो गया है और रिकॉर्ड करो तो उसके बैलेंस कैसे है? डेबिट। तो सेल रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड कितने से? 500। थर्ड पॉइंट, सेल बैलेंस ऑफ सेल बुक इज कैरी फॉरवर्ड एक्सेस बाय 1,000। पढ़ो थर्ड पॉइंट, सेल बुक जब एक पेज से अगले पेज पे गई तो कैरी फॉरवर्ड 1,000 रुपए ज्यादा हो गई, सेल ज्यादा क्रेडिट हो गई, तो सेल को कम करने के लिए क्या करोगे? तो सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय रुपीज। फोर्थ पॉइंट पढ़ो, पढ़ो जी, बैलेंस ऑफ सेल रिटर्न बुक, बैलेंस ऑफ इज कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस ऑफ 1,000, 100 रुपए। जो सेल रिटर्न बुक है ना वो कैरी फॉरवर्ड हो गई, कितने से ज्यादा हो गई? 100 रुपए से। क्या क्या होगा बताओ? सेल रिटर्न बुक को क्या करोगे? विल बी क्रेडिटेड बाय, सेल रिटर्न के डेबिट बैलेंस होते हैं, ज्यादा डेबिट हो गई तो कम करने के लिए क्या करोगे? कोई डाउट किसी को यहां तक? पक्का क्लियर है? ये चारों पॉइंट क्लियर है अच्छे से? नोट कर लीजिए एक बार इसे।